नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, हाल फिलहाल के कुछ दिनों में दिल दहलाने वाली घटना लगातार सुनने देखने को मिल रही है। मॉब लिंचिंग का मकसद बदला है, तरीका नहीं बदला है। आज भी भीड़ तंत्र लोकतंत्र पे भारी देख रही है। बच्चा चोर की अफवाह इस तरह फैल गई है कि निर्दोष लोग को पीट पीट कर मारा जा रहा है। ऐसी घटना मिर्सा थाना अंतर्गत शांतिनगर में घटी है, जहाँ पर एक 50 वर्षीय विक्षिप्त व्यक्ति की बच्चा चोर के अफवाह में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। खबर की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी अमन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी तरह से निरीक्षण किया। उन्होंने बताया तरह अफवाह थी और अफवाह के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई। उन्होंने अफवाहों पे ध्यान नहीं देने का आग्रह किया और कहा कि कानून को अपने हाथ में ना ले, ऐसी कोई घटना घटती है तो तत्काल पुलिस को खबर करें, पुलिस उसको कानूनी कार्रवाई करे। इस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार हर राज्य में ऐसी घटना घट रही है, जहाँ बच्चा चोर के अफवाह से किसी को भी पकड़ कर पीटा जा रहा है और उसे मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ऐसी घटनाओं पे पुलिस प्रशासन को सख्त और तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है, नहीं तो और भी बेकसूर अनेक दोष लोग मारे जाएंगे। सर, पूरा मामला क्या है? एक उन लोगों ने अफवाह फैला दिया है बच्चा चोर का कि, और हम देख रहे हैं कि जो विक्षिप्त है, जो भीख वगैरह मांग के खाता है, उसको भीड़ उसको बच्चा चोर समझ के उसको मारपीट कर रहा है। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है और मानवता के लिए घोर अन्याय है। किसी को भी अगर बच्चा चोर के संदर्भ में अगर संदेह होता है तो वो तुरंत प्रशासन को खबर करे, कानून हाथ में नहीं लें। इस तरह का जो हाथ में कानून को हाथ में लेकर के और खुद जो ये मारपीट जो कर रहे हैं, इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और प्रशासन को तुरंत खबर करें। निरसा थाना अंतर्गत गोपीनाथ पहाड़ीपुर के पास के प्रथम सिंह नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई मौत के द्वारा, भीड़ के द्वारा, जिसमें कि उसे बच्चा चोर कहकर बताया जा रहा है कि मारपीट की गई। सुबह पुलिस को सूचना मिली, तत्काल यहाँ से पेट्रोलिंग पार्टी गई, उसको रेस्क्यू करके तुरंत पीएमसीएच भेजा गया, लेकिन कुछ गंभीर चोट होने के कारण वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग आरोप बड़ा स्पष्ट है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब पर सख्त कार्रवाई होगी। जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है और सब पर, जितनों का नाम अभी आएगा स्पष्ट होगा, सब पर जो है नेम प्राथमिकी की गई है और सब पर छापेमारी भी की जा रही है। जो लोग पकड़े जाएंगे उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और लोगों से भी यह अपील होगी कि इस तरह का जो अफवाह फैल रहा है कि बच्चा चोर चोरी हो रही है या बच्चा चोर घूम रहे हैं, तो इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अगर कुछ ऐसा मिलता है, उन्हें कोई व्यक्ति मिलता है, कोई संदेही मिलता है, तो उसको पकड़ कर पुलिस को सूचना दें, ना कि उसके साथ मारपीट करें, ना कि कानून स्वयं हाथ में लें, या वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचना दें या 100 डायल में सूचना दें, ताकि हम लोग तत्काल वहाँ पहुँच कर उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कर सकें। जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है वो लोग नामजद अभियुक्त हैं इसमें, बाकी अन्य लोगों को भी अनुसंधान के दौरान जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा और कार्रवाई जो भी होगी सख्त कार्रवाई की जाएगी इसके अगेंस्ट।